ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਬੈਗ ਤੋਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨ ਸੇ ਪਕੜਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आमर जीटी। आपका क्या हाल है? ठीक है। आज मैं जनाब आया हूं गुजाले मदीना रोड पर। आप जब जाएंगे ना टीएमए की तरफ, बल्दिया गुजरात की तरफ, उस वक्त जनाब पानी वाली टैंकी है, उसके सामने बिल्कुल जलाली कबाब वाले हैं। वो कबाब बहुत अच्छे बनाते हैं, सुना है मैंने किसी भाई से, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा है। आज इनके मैं जनाब कबाब और सीना और लेग पीस टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनाते हैं लेग पीस कबाब और चपली कबाब जो मशहूर हैं पेशावर की तरफ से। पता चला कि ये 1992 में से इन्होंने काम किया था खारिया में। 10 साल उधर काम करने के बाद ये गुजरात में हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको उनका पूरा सेटअप दिखाऊंगा। ये हैं जनाब उनकी दुकान, ये देखें। ये रोड आ रहा है जनाब सीधा गुलजारे मदीना रोड की तरफ से, उसके बाद जनाब ये इधर से होके ये उनके सामने दुकान आ जाती है। चुने वाली मार्केट शुरू होती है और साथ टीएमए गुजरात सबसे मेन जो पानी वाली टैंकी है उसके बिल्कुल सामने, वो सामने जो रोड है ना वो सर्कुलर रोड है, उसके साथ ये टच हो रही है। ये है जनाब जलाली साहब की दुकान और काम भी खुद कर रहे हैं वो। 1992 में से उन्होंने काम शुरू किया था उन्होंने। ये जनाब उनके भाई जो साथ काम करते हैं, ये वो यहाँ बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है, ये देख सकते हैं आपको, आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये जनाब उनके बेटे हैं, वो जलाली साहब खुद लगा रहे हैं और मुकम्मल किए जनाब उनको, आपको मेन्यू उनका नज़र आ रहा होगा। ये जनाब आप सारे कबाब बनते हुए देख रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और जनाब ये देखें बारिश भी लगी हुई है। गुजरात का मौसम आज बहुत अच्छा है। अभी जनाब मैं आपको लोकेशन बताऊँगा इनकी। TMA गुजरात के अंदर पानी की टैंकी बहुत बड़ी लगी हुई है, उसके बिल्कुल सामने है ये चूने वाली मार्केट है ये, और ये सर्कुलर रोड के साथ टच हो रही है। बकायदा इनका पूरा एड्रेस आपको बताऊंगा। ये भाई लगा रहे हैं जनाब। हाँ भाई, कितनी देर से लगा रहे हैं आप? 1992 से ये भाई जनाब लगा रहे हैं। तो भाई ने पहले गुजरात में या पेशावर में भी लगाते रहे हैं? इधर से शुरू किया आपने यहाँ? खारिया में 12 साल मुलाजमत। माशाल्लाह, खारिया में 12 साल काम करके इधर आए हैं, अभी गुजरात में ये काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम गुल खान जलाली। अच्छा, आप हैं गुल खान जलाली, माशाल्लाह। ये हैं जनाब, आप देख लें, ये हैं भाई, माशाल्लाह। ये जनाब गुल खान जलाली साहब खुद अपना काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यकीन माने इनके कबाब की बहुत तारीफ सुनी है। अभी आपका भाई टेस्ट करके आपको बताएगा कि ये कैसे कबाब और लेग पीस सीना वगैरह बना रहे हैं। ये जनाब लगा रहे हैं जलाली साहब। आज इनका टेस्ट करके आपको बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन जनाब, बहुत प्यारी खुशबू है और मौसम भी आज देख सकते हैं गुजरात में बहुत मज़े वाला है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये जनाब जलाली साहब हैं। ये जनाब उनका खूबसूरत सा हाल बना हुआ है, इधर बैठने की बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी गुंजाइश है और कैबिन भी बने हुए हैं इधर। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सेटअप दिखाऊंगा आज, और इनके कबाब की बहुत तारीफ सुनी है जनाब, टेस्ट करके आपका भाई बताएगा कि इनके कबाब कैसे बने हुए। ये जनाब देखें कैसे रश पड़ा होगा इनके पास, अभी आपको इनका पूरा मेन्यू दिखाऊँगा। ये जनाब उनकी रेट लिस्ट लगी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये अभी हम जनाब गुल खान जलाली साहब के पास आ गए हैं, इनके कबाब और लेग पीस और सीना टेस्ट करने के लिए आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज गुजरात का। अभी इंशाल्लाह मैं आपको इनकी पूरी लोकेशन बताऊंगा। अभी मैं इस वक्त मैं किस जगह पर बैठा हूँ। ये जनाब अभी हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये जनाब ज़बरदस्त कबाब है,
इनकी कबाब की वैरायटी दूसरों से थोड़ी ज़्यादा है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये लेग पीस है, ये बीफ वाला है, और ये साथ उन्होंने चिकन वाला भी दिया है और अंडे वाला भी दिया है बीफ में। ये डबल वैरायटी है इनकी इंशाल्लाह। ये रायता बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है इंशाल्लाह, इसको भी टेस्ट करके आपका भाई बताएगा कि इनका काम कैसा है। गुल खान जलाली जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अभी आपका भाई सबसे पहले बीफ के कबाब को टेस्ट करेगा, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ये बीफ का कबाब उनका कैसा बना हुआ है। ये जनाब देखें, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी, और ये अंडे वाला नहीं है, ये सादा ही है, वो वाला बीफ वाला अंडे वाला ये पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए ओए, क्या बात है जनाब इसकी। यही समझ लें कि आप पेशावर में बैठ कर कबाब खा रहे हैं, पेशावर चपली कबाब खा रहे हैं, और आपको कबाब में भी पेशावर वाले कबाब का ही मज़ा आएगा। माशाल्लाह बहुत मज़े वाला है। अभी जनाब मैं इसको रायते के साथ भी टेस्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रायते के साथ भी अच्छा है। इनके रायता बनाने का एक अपना तरीका होता है, पुदीना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, और उसमें पुदीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत अच्छी बात है ये। अभी जनाब ये अंडे वाला है, अंडे वाला कबाब भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये भी बीफ वाला है, पहले इसको ऐसे चेक करूँगा। माशाल्लाह अंडे वाला भी अच्छा बना हुआ है, क्या बात है इसकी। अभी जनाब इसको भी रायते के साथ भी टेस्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रायते के साथ भी मज़े वाला है, और जो इनकी नई एक आइटम नई चीज़ है, इन्होंने ये चिकन वाला भी कबाब रखा हुआ है। चपली कबाब वालों के पास अमूमन आपको बीफ के कबाब मिलेंगे, लेकिन चिकन का नहीं मिलेगा, इनके पास चिकन का भी है। अभी जनाब चिकन वाले कबाब को भी टेस्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने कबाब, और चिकन की भी क्या बात है। ये जनाब दोबारा भी मैं इसको टेस्ट करूँगा, चिकन वाले का मुझे बहुत मज़ा आया। अभी रायते के साथ दोबारा इसको टेस्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब की क्या बात है, चिकन वाला भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी जनाब ये रूटीन वर्क में आ गया जनाब आपका लेग पीस, लेग पीस को भी टेस्ट करूँगा। ये दिखाएं जी ज़रा, माशाल्लाह इनका कुछ अंदाज़ मुझे न्याय लग रहा है, वो मैं देखता हूँ अभी खाऊँगा तो पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी लेग पीस बहुत अच्छा बना हुआ है। सर जी देखो, सर थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी सी फनी खराबी बीच में आ गई थी, वो बैग का मसला था। एक भाई आए हैं, वो हमारा बैग तो उसके अंदर बहुत कुछ है, उन्होंने एक कान से पकड़ा और उसको ऊपर खींच लिया, उसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो हमें पता है उसके अंदर क्या है। चलें कोई बात नहीं, अभी जनाब ये नान के साथ चेक करेंगे कि ये कैसा जनाब उन्होंने लेग पीस को बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ए वन है, और मछली मसाले का भी साथ उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। उससे वैसे आर्य की अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये है बेसिकली जो है ना वो लेग पीस अच्छा बना हुआ है, ऊपर जो मसाला डाला है वो उतना ज़्यादा था। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा बना हुआ है। की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। गुल खान जलाली साहब के कबाब और जनाब जो चिकन वाले कबाब थे, दोनों को खा के बहुत मज़ा आया। लेग पीस भी अच्छा बना हुआ था, और सारा जो है ना उनका मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था। अभी जनाब आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई मिलेगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।